पीथमपुर सेक्टर नंबर 1 में स्थित एसयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कैशियर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव निकली है। बैंक का कैशियर इंदौर से पीथमपुर रोज अप डाउन करता था, जिसकी सूचना पीथमपुर के तहसीलदार को मिली है। तहसीलदार स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बैंक के मैनेजर से पूरी जानकारी ली। पूरा मामला निकल कर सामने आ गया। बैंक के कैशियर अनिल जायसवाल इंदौर का रहने वाला बताया जा रहा है। कैशियर अनिल जायसवाल की पत्नी कुछ दिन पूर्व ही जांच में कोरोना पॉजिटिव आई थी। बावजूद इसके बैंक कैशियर ने बैंक में आना जाना बंद नहीं किया। बैंक की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सभी कर्मचारियों को स्क्रीनिंग करवाई। स्वास्थ्य विभाग की टीम बैंक के सभी कर्मचारियों की कोरोना की जांच कराएगी। बैंक को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अगर बैंक के कैशियर की जांच कोरोना पॉजिटिव आती है तो एक बड़ा विस्फोट कोरोना को लेकर पीथमपुर में देखा जा सकता है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। लोग आए थे यहाँ पे, एक अनिल जायसवाल करके कालीन भी इंदौर का वो है वर्कर, इनके यहाँ पे यू स्मॉल बैंक में उसकी जो वाइफ है सोनल, वो आज यहाँ पे सोनल जायसवाल वो पॉजिटिव आई है। और उसके बाद में कल तक वो वर्कर यहाँ आ रहा था। एहतियात के तौर पे अभी हम लोगों ने इनको होम क्वारंटाइन किया है। पहले उस बंदे की सैंपलिंग होगी, उसके बाद में अगर वो पॉजिटिव आता है तो एहतियात के तौर पे फिर हम लोग इनकी भी सैंपलिंग कराएंगे। अभी इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया और इनके हॉस्पिटल में नॉर्मल स्क्रीनिंग की गई। क्या इस दौरान सर बैंक चालू रहेगी या कुछ कार्रवाई? नहीं, अभी बैंक बंद रहेगी जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई। ठीक है सर, आपका नाम और पता? डॉक्टर चमनदीप सिंह अरोरा, BMO नालसा। सर बताएं, बैंक के एम्प्लॉय की मिसेज को कोरोना निकला है, कितनी सत्यता है बात में और क्या है पूरा मामला? हमको इंदौर प्रशासन से जानकारी मिली थी कि यहाँ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक एम्प्लॉय है, उनकी वाइफ इंदौर में कोरोना पॉजिटिव निकली है। तो एहतियात के तौर पर हम और अस्पताल प्रशासन से डॉक्टर साहब पूरी टीम के साथ आए हैं, यहाँ इनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं और एहतियात के तौर पर जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराएंगे कि कोई और इन्फेक्शन ना हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।